हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th में मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर पॉलीनोमियल्स, उसकी सेकेंड एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसके सिक्स पार्ट दिए हुए हैं। इसमें क्या निकालना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पर हमारे जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनके पहले जीरोज निकाल लें और उसके बाद ये वेरीफाई करना है कि जो ये कोएफिशिएंट्स है ना और जीरोज इनके बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो यानी कि पहले पार्ट में हमको ये करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने पॉलीनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, तो यहाँ से करेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन। तो इसका पहला पार्ट है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हमको फाइंड करना है सबसे पहले जीरोस। तो बच्चों जीरो फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। जो फैक्टर करके जो वैल्यू आएगी वही इसके जीरोस होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है ना, उसी मेथड से हम इसको स्प्लिट करके इसके फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद बस जो हमारा फैक्टर आएगा वही इसका जीरोस होगा। मैंने क्या कहा, जो फैक्टर आएगा वही जीरोस होगा। यस, सही सुना आपने, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस फैक्टर करिए वो जीरोस मिल जाएगा आपका। तो फैक्टर चलिए देखिए, जिन बच्चों को फैक्टर नहीं आता निकालना उनको बताते हैं। तो पहले वाले को तीसरे से मल्टीप्लाई कीजिए। पहला वाला तीसरा क्या मतलब, देखिए ये पहला टर्म हो गया आपका, ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया, तीन टर्म तो है इसमें, ओके। तो फर्स्ट वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा ये 8x², ओके। एक्स स्क्वायर को 8 करेंगे तो 8x² हो जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस 8 है, ठीक है। अब बीच में क्या है, जो मिडिल टर्म कौन सा है, माइनस 2 है, माइनस 2x है, तो आप लिख देंगे माइनस 2x, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करेंगे आप, इसका नाम ही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो आप यहाँ पे मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, यानी दो पार्ट में आप इसको तोड़ेंगे। तो तोड़ने पर आपको क्या है कि दो नंबर मिलेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इन दोनों नंबर को जब आप ऐड करेंगे ना तो माइनस 2x आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x² आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अब देखिए, तो कौन सा नंबर लें कि यहाँ पर 8 आ जाए, तो जैसे कि हमने क्या 4 एक ले लेते हैं और एक 2 ले लेते हैं, ठीक है, एक लेते हैं 4 एक 2 लेते हैं, और यहाँ पर हमारा माइनस 2 आ रहा है ऐड करने पर, तो हम बड़े वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर x लगा दीजिए, यहाँ पर x लगा दीजिए। अब देखिए ये वाला अपना प्लस का है, ओके। अब इनको ऐड करके देखिए, माइनस 4x प्लस 2x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x आएगा, और मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 जाए 8, माइनस का साइन, यहाँ पे 8 आ रहा है, और x² हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर जो हमारा रूल था वो कम्प्लीटली यहाँ पे क्या सेट हो गया है। अब बस हम माइनस 2x के प्लेस पे माइनस 4x प्लस 2x को यहाँ पुट कर देंगे बस। तो यहाँ पे लिखिए आप, यहाँ पे x² माइनस 4x है आपका, तो लग लेंगे आप 4x लिख लेंगे, ये प्लस 2x है, प्लस का 2x लिख लेंगे, और आगे क्या है माइनस का 8 है, तो आप 8 लिख लेंगे, बस इतनी सी बात समझ आई। चलिए देखते हैं अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ लेना है इसमें कॉमन। तो यहाँ पर आप पेयर बनाइए, एक पेयर इसका और एक पेयर इस पीछे वाले का। तो यहाँ पर इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है ना सिर्फ, तो x आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा, ओके। सेकंड ब्रैकेट में आइए तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले प्लस लगाएंगे। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स तो कॉमन है नहीं, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स, और 8 में से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास इतना बचा। अगेन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर फिर x माइनस 4 और x माइनस 4 फिर से आ गया। तो जब दो बार फिर से आ चुका है तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 4 अगेन आप यहाँ पर कॉमन लोगे। तो जब कॉमन लोगे तो अब क्या बच रहा है, देखिए x माइनस 4 से यहाँ से क्या बच रहा है, x बच रहा है, तो सेकंड ब्रैकेट में आप x लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ प्लस मिला, और इस ब्रैकेट में आप यहाँ x माइनस 4 तो बाहर ले लिए, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो आप यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो ये आपके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, ठीक है। ये आपके x माइनस 4 x और x प्लस 2 क्या आ गए, फैक्टर आ गए। लेकिन हमको तो जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार आप x माइनस 4 के इक्वल में 0 पुट कर दीजिए, और एक बार x प्लस 2 के इक्वल में 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको तो जीरोज निकालना है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि इस 4 को उस तरफ भेज देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और यहाँ पर इस 2 को उस तरफ भेज देंगे तो माइनस 2 आ जाएगी। तो माइनस 2 एंड 4 ये आपके क्या आ गए, जीरोज आ गए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2 एंड 4 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, ठीक है। लेकिन अभी अभी कुछ बाकी है, वो क्या है, वो है वेरीफिकेशन। तो वेरीफिकेशन तो आपका बाकी रह गया, तो चलिए उसको कर लेते हैं। तो ये सम ऑफ जीरोस क्या मतलब, तो हमारे पास कितने जीरोस निकले थे, हमारे पास दो ही तो जीरो निकले हैं, एक 4 निकला है और एक 2 निकला है, दोनों जीरोस निकले हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, इनका सम निकालना है। जब इनका सम निकालते हैं तो कितना आएगा, आप देखिए, आप किसी को भी पहले लिख लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मान लीजिए 4 को पहले लिखा है, 4 प्लस माइनस 2, आप यूं ही करेंगे, ठीक है। 4 प्लस माइनस 2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा आंसर, तो आपका आंसर आने वाला है कितना, 4 माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन 2 आएगा, ठीक है ना। आपका आंसर 2 आ रहा है, तो यहाँ नहीं कि आपका 2 हो गया। अब 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को आप लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 को आपको 2/1 लिख सकते हैं। अब ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे जो 2 आ रहा है आपका, जो 2 आ रहा है, अब क्वेश्चन में आ जाइए। अब ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, x² माइनस 2x माइनस 8। अब जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ऊपर वाला जो होता है, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या है, जो 1 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या जो हमारा ये एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, क्या इसमें एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब एक्स का कोफिशियंट क्या है, सॉरी एक्स का कोफिशियंट माइनस टू आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे आप टू आ रहा है, लेकिन माइनस यहाँ लगा हुआ है तो माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ पर वन छुपा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर वन आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या वेरीफाई हो चुका है। तो हमने क्या लिया था, जीरोस लिया था, जीरोस का सम निकाला, तो आ क्या गया हमारा, आपका पॉलीनोमियल में से मैच कर रहा है, इसका मतलब कि ये वेरीफाई हो चुका है। अब हमको क्या निकालना होगा, अब हमको निकालना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे बच्चा, इन दोनों जो हमारे ये जो दोनों आए थे ना क्या रूट्स, यानी कि जो हमारे जीरोस आए थे, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 4 इंटू माइनस 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए 4 टू जा 8, 8 आएगा वो भी माइनस के साथ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर बच्चों, वही लिख सकते हैं माइनस का 8 अपॉन 1। अब माइनस के 8 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा माइनस 8 है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, ये आपका है कॉन्स्टेंट, यानी कि आपका क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, ये रहा हमारा इक्वेशन। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है कॉन्स्टेंट टर्म आ रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे अपना 8 क्या आ रही है हमारा, क्या आ रहा है कॉन्स्टेंट टर्म, और जो डिनोमिनेटर में आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस इस तरीके से आपको करना है और आपका सोल्यूशन भी हो गया और वेरिफिकेशन भी हो गया। तो हमने इन सब क्वेश्चंस को बच्चों यहाँ पर कर लिया, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे, तो अब हम फटाफट आगे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है अपना 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसके आपको फैक्टर करने होंगे, तो माइनस 4s के दो टुकड़े करेंगे माइनस 2s ऐड करेंगे तो माइनस 4s आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर आ जाएगा। अभी आप इसको हम कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा 2s माइनस 1। अब एक बार 2s माइनस 1 के आगे 0, और एक बार अगेन 2s माइनस 1 के आगे 0, यहाँ पर हमारे पास s के दो वैल्यूज मिल जाती हैं। ये जो s की वैल्यू मिली है हमें, यही इसके जीरोज हैं। चलिए करते हैं वेरिफिकेशन। अब हम यहाँ करेंगे वेरिफिकेशन, तो सम ऑफ जीरोज पहले फाइंड कर लेते हैं, दोनों जीरोज को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा हाफ हाफ प्लस 1 अपॉन 1। यहाँ पर देखते हैं हमारे क्वेश्चन 4 है, तो हम यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हमारा जो 4 अपॉन 4 आ गया, इसका मतलब 4 जो है आपका कोफिशियंट है इसका x का, और 4 नीचे वाला है वो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर हमारे पास दो जीरोस दिए हुए हैं, उनका करते हैं प्रोडक्ट, तो आ जाएगा 1 अपॉन 4। तो यहाँ पर 1 क्या है अपना कॉन्स्टेंट टर्म है, और नीचे जो 4 दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर में वो है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों पार्ट कर लिए वेरिफिकेशन के। अब चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों पढ़ते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है अपना 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले तो क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, तो हम पहले सीक्वेंस में लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसका करेंगे फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस 18x स्क्वायर। अब माइनस 7x को स्प्लिट करते हैं, तो ये आपका 9 एंड 2 में स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे माइनस 9 लिख देंगे और प्लस 2 लिखेंगे, ऐड करेंगे तो माइनस 7x, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18x स्क्वायर। फैक्टर हो गया इसका, यानी स्प्लिटिंग हो गया। अब यहाँ पर पुट करेंगे 6 स्क्वायर एज इट इज नोट आउट करेंगे, और माइनस 7x के प्लेस पे माइनस 9x प्लस 2 नोट कर लेंगे, और माइनस 3 ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं माइनस 3x, तो हमारा बचेगा 2x माइनस 3। अगेन हम 1 कॉमन लेंगे सेकेंड वाले टर्म में, तो हमारा 2x माइनस 3 आ गया। अगेन 2x माइनस 3 देख रहे हैं दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हमारा बचा 3x प्लस 1। तो ये हमारे फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं। अब निकालते हैं इसके जीरोस। जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों के सामने एक बार जीरो पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर सिंगल सिंगल इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। एक वैल्यू आ गई है x इक्वल टू 3/2, और एक आ रही है हमारी x इक्वल टू -1/2। यही x की वैल्यू जो निकली है यही हमारे जीरोज हैं यहाँ पर। तो 3/2 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। तो इस तरीके से हमने इसके जीरोज निकाल लिए हैं। जीरोस निकल चुके बच्चों, तो लिए करते हैं वेरिफिकेशन। तो सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं पहले, तो जीरोस फाइंड करने के लिए दोनों को सम करेंगे, यानी 3/2 प्लस और ब्रैकेट में -1/3। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे ब्रैकेट खोलने के बाद, फिर 2 3 का एलसीएम 6 आता है, सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 7/6। फिर लिख देते हैं हम कि 7/6 जो है वो कोफिशियंट है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, और 6 कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर का। तो इस तरीके से हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया। अब फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो यहाँ पर हम दोनों को प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी दोनों हमारे जीरोज हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है। तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/2 बचेगा, तो माइनस 1/2 आ गया, इसमें हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -3/6 आ जाएगा। फिर हमारी क्वेश्चन से मैच करेगा, तो यहाँ पर फिर से लिख देंगे कि ऊपर वाला कॉन्स्टेंट टर्म है और नीचे वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इस तरीके से हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में है अपना 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो इसमें तो हमारे तीन टर्म है ना जो हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म कर पाए, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमने 4u कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा u प्लस 2।
अभी हमारे 4u को एक बार 0 के इक्वल लिख लेंगे और एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल में रख लेंगे। यहाँ पर u की वैल्यूज निकाल लेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, u की वैल्यू 0 और माइनस 2 आ रही है, यही हमारे जीरोज हैं। अब चलिए करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन सबसे पहले हम करने वाले हैं सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोज में हमारे पास दो यहाँ पे जीरो है तो हमको ऐड कर लेंगे 0 प्लस ये माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा आपका माइनस 2। माइनस 2 को आप देख सकते हो माइनस 2 अपॉन 1। अभी आप ध्यान से देखिए आपको क्या है यहाँ पे, ये 8 है और ये 4 है, तो हम जब लोग जब निकालते हैं सम ऑफ जीरोज तो क्या होता है, बी माइनस ए होता है ना, तो ये बी प्लस पे है, ये ए प्लस पे, तो डिवाइड करोगे तो क्या माइनस 2 आएगा, तो सेम सेम माइनस 2 आ रहा है। लेकिन इसको 8 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका माइनस का 8 अपॉन 4 दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप साफ साफ लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपका माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाएगा अपना कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया है सम ऑफ जीरो। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, जीरो और इनटू माइनस 2, तो यहाँ पे इनका जीरो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जीरो है तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो अपॉन 1 लिख सकते हैं। और हमारा इसमें देखिए ध्यान से आप, इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, आपका यहाँ पे वेरिएबल टर्म दिख रहा होगा बट यहाँ पे आप कांस्टेंट टर्म कहाँ देख पा रहे हैं, नहीं है ना कोई भी कांस्टेंट टर्म, नहीं है तो कांस्टेंट टर्म आपका जीरो है यहाँ पर। जब जीरो है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या मिल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ क्या मिल रहा है आपका, एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने अपना वेरिफिकेशन बच्चों कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा सर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो आपके क्वेश्चन में 4 दे रखा है तो आपने इसको लिख दिया है यहाँ पर 1 के प्लेस पे, तो बेटा ऐसा है ना कि आप देखिए आप इसको लिख सकते हैं कि 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 से नीचे मल्टीप्लाई, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.4। चाहे आप 0.1 लिखिए, चाहे 0.4 लिखिए, चाहे 0.5 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सब कुछ 0 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आपका नीचे 4 लिखा है चाहे 1 लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका अगला पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसको हम लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस रूट 15 इसका होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो फिर से हमारा 15 बचेगा, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन चुका है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लगा लेंगे, तो लिख लेंगे हम टी माइनस रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में टी प्लस रूट 15। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इनके फैक्टर्स और इसके बाद क्या करेंगे, एक बार टी प्लस रूट 15 के आगे 0 और एक बार टी माइनस रूट 15 के आगे 0। यहाँ से हम टी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, तो टी की दो वैल्यूज में निकल के आई हैं, एक है रूट 15 और एक है माइनस रूट 15, तो यही हमारे जीरोज निकल के आ चुके हैं। अब करते हैं इसका वेरिफिकेशन। तो सम ऑफ जीरोज में हम कर लेंगे बच्चों इसका एडिशन, तो एडिशन करने पर आ रहा है यहाँ पे जीरो। जब हम यहाँ पे जीरो निकाल पा रहे हैं तो जीरो को 0.1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टी का तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो इसको लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी और अपॉन में लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोज हो चुका है, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे कि हम निकालेंगे इन दो नंबर का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करने पर हमारे पास आएगा माइनस 15 और इसको लिख देंगे माइनस 15 अपॉन 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा जो पहला है कॉन्स्टेंट टर्म है और अपॉन वाला है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा तो हो गया इसका सॉल्यूशन। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का, यानी कि इस क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो ये इसका क्या करना है, पहले तो इसके जीरो निकाल लें, तो जीरो निकालने के लिए हमने क्या कहा था, फर्स्ट एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है माइनस का 12x स्क्वायर और बीच में माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स तो वेरिएबल है तो इसका 1 होगा, माइनस का 1 और यहाँ पर x। तो यहाँ पर हम इसके दो टुकड़े करेंगे, तो ऐसे टुकड़े नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12 आए और ऐड करने पर माइनस 1 आए, तो इसका मतलब हम एक लेंगे 4 और एक लेंगे 3, क्योंकि 4 3 जो होता है 12, तो बड़े वाले को हम करेंगे माइनस क्योंकि हमारा माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स लगा दीजिए, यहाँ पर एक्स लगा दीजिए, अब दोनों को ऐड करके आप देखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर आएगा। बस यहाँ पर हमारा स्प्लिटिंग हो चुका है, अब यहाँ पर हम इस पर पुट करके कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं हम यहाँ पर 3x स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माइनस, ये वाला माइनस 4x है अपना, चाहे पहले 3x लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले 3x लिख दिया फिर पीछे माइनस 4x को लिख दिया। इन दोनों को आप यहाँ पर पुट करते समय आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में इसका कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे इसमें से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। अगेन आपको दिख रहा होगा x प्लस 1 फिर से कॉमन होने वाला है, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में बचेगा बच्चों 3x माइनस 4। और जब हमारे फैक्टर हो चुके हैं तो फिर क्या काम बचा हमारे पास, इन फैक्टर के आगे रख देना आपको 0, यानी कि x प्लस 1 के आगे एक बार 0 और एक बार 3x माइनस 4 के आगे 0। यहाँ से इसको उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 और इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x इक्वल्स टू 4 और डिवाइड में भेज देंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 1 कॉमा 4 अपॉन 3, ये क्या हो गए, ये हमारे निकल के आ गए हैं इसके जीरोज़। तो हमने बच्चों फाइंड कर लिया है इसके जीरोज़। अब जीरोज़ जब हमारे निकल चुके हैं तो अब क्या करना है, इसका वेरीफिकेशन।
तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले करते हैं सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ में दोनों जीरोज़ को हम ऐड करेंगे, एक है हमारा माइनस वन, दूसरा है हमारा प्लस का फोर अपॉन थ्री। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे वन लिख लेते हैं अपनी मर्जी, इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद हमारा थ्री ही आता है बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, हो जाएगा माइनस का थ्री और प्लस का फोर, तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो वन अपॉन थ्री आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ रहा है वन अपॉन थ्री। अब इस वन अपॉन थ्री को जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाला जो हमारा ये हो गया वन, तो वन किसका दिख रहा है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे माइनस एक्स के बगल में वन है, तो यानी कि हो जाएगा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, और जो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है थ्री आ रहा है वो किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं आप कितना इजी होता है ये, बस हो गया वेरीफिकाई, ठीक है ना। अब करते हैं प्रोडक्ट वाला, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में हमारे पास क्या है, दो रूट्स हमारे हैं, दो रूट्स हैं तो जीरोज़ हैं, उनको फिर से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लेंगे फोर अपॉन थ्री, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर वन जा फोर, यानी माइनस का फोर अपॉन हो जाएगा थ्री। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा माइनस का फोर अपॉन थ्री आ रहा है ये क्या है, तो ये है आपका फोर जो आ रहा है वो आपका माइनस फोर कॉन्स्टेंट टर्म आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉन्स्टेंट टर्म, ये आपका कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। और डिनोमीटर में क्या आ रहा है हमारा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे कोफी सीएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन था उसके सारे के सारे सिक्स पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।